हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार में पैरामेडिकल की बहाली आई हुई है। ये बहाली आपके श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर यानी कि SKMCH मुजफ्फरपुर में ये बहाली निकाली गई है। ये बहाली को लेकर ये देख सकते हैं नोटिस जो है 29/7/2024 को जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है कि बाह्य स्रोत पर विभिन्न सिनेरियो मानव बल की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि जो ये बहाली निकाली गई है परमानेंट बहाली नहीं है, ये आप लोगों को बाहरी स्रोत आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये बहाली निकाली गई है। तो ये पहले ही आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये परमानेंट बहाली नहीं है, ये आप लोगों को आउटसोर्सिंग बहाली है। और ये जो बहाली कराएगा कौन से कंपनी कराएगी, तो यहाँ पर दिया गया कंपनी का नाम उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसी के तहत आप लोगों की बहाली कराई जाएगी, जिसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इसी कंपनी के द्वारा यहाँ पे आउटसोर्सिंग के तहत बहाली करने वाली है। और इस कंपनी को बोला गया है कि आप जो BMSIC नियम है, उस नियम के तहत मानव बल को बहाल करना है, और जो सैलरी दर रखा गया निर्धारित वही देना है। यहाँ पर सैलरी और क्वालिफिकेशन के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिया गया कि कितनी आपकी सैलरी मिलने वाली है। अब कंपनी के ऊपर है कितने का पैसा देती है, वैसे यहाँ पे ये जो नियम है इस नियम के अनुसार ही आप लोग का पैसा मिलेगा। BMSIC 2023 में ये नियमावली बनाई गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यही नोटिस के अनुसार आप लोगों को पैसा सैलरी मिलने वाला है। और ये जो बहाली है तत्काल, यहाँ पे बोला गया है कि 16 अगस्त 2024 के पहले इसको इन सभी पदों पर बहाली को पूरा करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पैरामेडिकल पद की बहाली है। तो यहाँ पे 9 तरह के बहाली निकाले गए हैं, जिसमें से पैरामेडिकल के लिए लैब टेक्नीशियन का पद है, 5 सीटों पर बहाली होने वाली है। तो जो भी बच्चे पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स किए हुए इच्छुक हैं, वह यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ पे कोई नहीं दिया है कहाँ पे आवेदन करना है, डायरेक्ट आपको SKMCH मुजफ्फरपुर जाकर आवेदन करना होगा। ऑफलाइन के माध्यम से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आगे हम बात करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से सीटों पर बहाली होने वाली है। फिर एक्सरे टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन के 8 पदों पर बहाली होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सलकज सहायक है, जहाँ सलकज सहायक यानी कि OT असिस्टेंट 10 सीटों पर बहाली होने वाली है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फार्मासिस्ट की बहाली होने वाली है। तो इस प्रकार से 4 पद निकाले गए, फार्मासिस्ट के लिए 5 पद हैं। तो टोटल 4 तरह के बहाली यहाँ पे आए हुए हैं, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सलकज सहायक, OT असिस्टेंट और फार्मासिस्ट। इसके अलावा और भी पद हैं जो कि आप लोग अपने लेवल से जो होंगे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कच्छ सेवक का बहाली निकाला गया है, 125 सीट है। अब यहाँ पे दिया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग को प्रमाण पत्र लगने वाला है, चरित्र प्रमाण पत्र लगने वाला है, वीरिय यानी कि सबसे उच्च अधिकारी से आप लोग को प्रमाण पत्र बनाना है पुलिस द्वारा। उसके बाद कर्मी का फोटो लगेगा, नाम लगेगा, पता नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको जमा करने होंगे, ये आपको कार्यालय में जाकर जमा करना होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि एकरनामा आपका कब बनेगा, जब 3 माह आप काम करेंगे, अच्छा आपका रहेगा, किसी प्रकार से आप गलत काम नहीं करते हैं, सही से रहते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे एकरनामा कराया जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी तरह से त्रुटि या शिकायत आपको मिलती है तो आपको यहाँ पे दंडित किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया आवश्यकता अनुसार मानव बल की संख्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। अधीक्षक हैं श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा, इनका यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ जो था आप लोग हम बता चुके हैं, इससे संबंधित कोई भी डाउट से अगर तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।